विलापगीत अध्याय चार। विलापगीत अध्याय चार। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हरेक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। समुद्र का भयंकर पशु भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दय हो गई है। दूध पी हुए बच्चों की जीभ प्यास के मारे तालू से चिपट गई है। बाल बच्चे रोटी मांगते हैं, परंतु कोई उनको नहीं देता। जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे, वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं। जो मखमल के वस्त्रों में पले थे, अब घरों पर लौटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया, जो किसी के हाथ डाले बिना भी क्षण भर में उलट गया था। उसके कुलीन हिम से निर्मल और दूध से भी अधिक उज्ज्वल थे। उनकी देह मूंगों से अधिक लाल और उनकी सुंदरता नीलमणि की सी थी, परंतु अब उनका रूप अंधकार से भी अधिक काला है। वे सड़कों में चिन्हे नहीं जाते। उनका चमड़ा हड्डियों से सट गया और लकड़ी के समान सूख गया है। तलवार के मारे हुए भूख के मारे हुए से अधिक अच्छे थे, जिनका प्राण खेत की उपज बिना भूख के मारे सूखता जाता है। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है। मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की, उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई कि जिससे उसकी नेव तक भस्म हो गई है। पृथ्वी का कोई राजा व जगत का कोई वासी इसकी कभी प्रतीति न कर सकता था कि द्रोही और शत्रु यरूशलेम के फाटकों के भीतर घुसने पाएंगे। यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और उसके याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ है, क्योंकि वे उसके बीच धर्मियों की हत्या करते आए हैं। वे अब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लोहों की छींटों से यहां तक अशुद्ध है कि कोई उनके वस्त्र नहीं छू सकता। लोग उनको पुकार कर कहते हैं, अरे अशुद्ध लोगों, हट जाओ, हट जाओ, हमको मत छू। जब वे भागकर मारे मारे फिरने लगे, तब अन्य जाति के लोगों ने कहा, भविष्य में वे यहां टिकने नहीं पाएंगे। यहोवा ने अपने क्रोध से उन्हें तीतर बीतर किया, वह फिर उन पर दया दृष्टि न करेगा। न तो याजकों का सम्मान हुआ और न पुरनियों पर कुछ अनुग्रह किया गया। हमारी आंखें व्यर्थ ही सहायता की बाट जोहते जोहते रह गई है। हम लगातार एक ऐसी जाति की ओर ताकते रहे जो बचा नहीं सकी। लोग हमारे पीछे ऐसे पड़े कि हम अपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सके। हमारा अंत निकट आया, हमारी आयु पूरी हुई, क्योंकि हमारा अंत आ गया था। हमारे खदेड़ने वाले आकाश के उकाबों से भी अधिक वेग से चलते थे। वे पहाड़ों पर हमारे पीछे पड़ गए और जंगल में हमारे लिए घात लगाकर बैठ गए। यहोवा का अभिषिक्त जो हमारा प्राण था और जिसके विषय हमने सोचा था कि अन्य जातियों के बीच हम उसकी शरण में जीवित रहेंगे, वह उनके खोदे हुए गड्ढों में पकड़ा गया। हे एदोम की पुत्री, तू जो ऊज देश में रहती है, हर्षित और आनंदित रह, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुंचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सियोन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में न ले जाएगा। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा, वह तेरे पापों को प्रकट करेगा।